अबे मैरिज रिकॉर्डिंग करने आए हो भाई? एक साल से काम कर रहा हूँ, एक छुट्टी नहीं मिली, अब जाके छुट्टी मिली है और तो साले लॉकडाउन हो गया। के राज भी लगा रखी है, घर से बाहर मत जा, घर से बाहर मत जा। देखो जी, मैं तानू दस रहा है जी, ये प्रॉब्लम चल रही है बेटे की, एदा ना है बियर दे ना ते जड़ी बनी है करोना। हाँ करोना। तीन बार डेंगू होके प्लेटलेट लेके वापस आया, एक बार तो खून का बोतल चढ़ा, उसके बाद चिकनगुनिया हुआ तीन बार। बाहर मत निकलो यार, घर पे बैठ के रहो, कोई बाहर जाने में दिक्कत है, कोरोना फैल रहा है। के राज भी लगा रखी है, घर से बाहर मत जा, घर से बाहर मत जा। बावला लगा रखा है कि इतनी बॉडी बनाई किस लिए बनाई, बाल इतने लंबे करे, शरीर इतना बढ़िया बनाया किस लिए बनाया, कुछ ना हो रहा कोरोना ते। भाई एक साल से काम कर रहा हूँ, एक छुट्टी नहीं मिली, अब जाके छुट्टी मिली है और तो साले लॉकडाउन हो गया। तू तो रहने ही दे भाई, तेरा तो वीकेंड ऑफ होता है ना, हम जैसों का कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता भाई। अरे नहीं तो तू बाहर क्यों निकल जाता है, तुझे फोन बुलाता है कोई, बाहर करने क्या जाता है तू? अरे मेरे काम है, अलावत के चाटे मार दिए कल, अलावत के प्रधान होकर ना देखेंगे तो कौन देखेगा फिर? नहीं तो वो बात ठीक है, लेकिन बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी बच के रहो। अरे कुछ ना हो रहा करो ना, करो ना, शरीर ठीक रखो, दारू पियो, डाइट रखो अपनी पूरी, कोई दिक्कत ना है किसी भी चीज की। और भोलेनाथ का ये तुम ये टैटू बना रखा है? अरे यार हम भोले के वक्त है, दारू बारू खान पीन की तो बात की बात है, पहले भोले बाबा सबसे पहले आए हैं। तो भोले भाई बाबा बचा लेंगे आपको? अरे सब बचा लें, भोले बाबा से बढ़ के दुनिया में कुछ ना है। जिन्होंने रिश्ते क्रिएट किया है, जिन्होंने दुनिया बनाई है, वही सब संभाले, हमें भी संभाल ले। वो तो दुनिया संभाल रहे, हमें ना संभाल सके वो, हम तो छोटे से प्राणी है। अब क्लाइंट बोलेगा वहां करो, बड़ा करो, छोटा करो, लाल करो, पीला करो, हम तो यही करते रहेंगे। लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं जाऊंगा वांडरलस्ट बन के निकलूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा रणबीर कपूर की तरह, पूरा इंडिया घूमूंगा, तू रोक के दिखा। देखो जी, मैं तानू दस रहा है जी, ये प्रॉब्लम चल रही है बेटे की, एदा ना है बियर दे ना ते जड़ी बनी है करोना। हाँ करोना, करोना का इलाज ना देना तानू अज, मैं की कहंदे अज, सैनिटाइजर नल हाथ तो शैंपू करो, है हाथ नू साफ करो। मैं तानू आज दसना है कि आप तुसी किद्दा कर बह के सैनिटाइजर बना सकदे। तीन बार डेंगू हुआ, चार बार चिकनगुनिया, तो क्या कर लेगा ये साला कोरोना? कभी कभी तो लगता है अपने कोरोना है। तो गाइस ये मत सोचो कोरोना कहाँ पर है, वायरस कहीं पर भी हो सकता है। हम में से काफी लोग ये गलती कर रहे हैं, सैनिटाइजर सबके पास है, लेकिन सैनिटाइजर के बावजूद आप एक गलती कर रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए, मेरे कोरोना कहीं पे भी हो सकता है, इस वक्त मेरे हाथ में हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको हटा लिया ऐसे करके, वैनिश्ड साफ। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप डाउट क्रिएट करिए, कोरोना कहीं पे भी हो सकता है। मेरे इस हाथ पर सैनिटाइजर नहीं था, इस हाथ ने इसको उठाया, दैट मीन्स कोरोना इस सैनिटाइजर के बाहर भी हो सकता है, राइट? अब इसको बाहर कैसे करेंगे? ये अभी तक हाथ मेरा वैनिश्ड है, फिर दोबारा यहाँ पे ड्रॉप लेंगे और इससे हम इसको क्लीन कर देंगे, यानी कि अब ये बॉटल सैनिटाइज है। तानू दसना, एक कमेंट रुको, टोनी पाजी ग्रेट। सब तो पहला तुसी अपने घर दे अंदर एक चीज कढ़नी है जेड़े सारे दे घर मिलदी है। की मिलदा सारे दे घर? आटा। रॉन्ग जवाब, सारे दे घर होंदी है दारू। पाजी दारू। हुण तुसी की करना है, सैनिटाइजर दे अंदर होंदा 70% अल्कोहल। ओके 70% ते नहीं ते मैं बना के रखे अपना फॉर्मूला पहला ही। कोरोना कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि अब कोरोना यहाँ हो सकता है। I have another piece of sanitizer, right? अब हम इसको सैनिटाइज करेंगे। Now this my hand is completely vanished. लेकिन यहाँ पे आपको एक बात आप नोटिस करिए, मेरे इस हाथ ने इसको पकड़ा। अब डाउट कीजिए कोरोना कहाँ पर हो सकता है? इस हाथ में हो सकता है। इस हाथ में कोरोना कैसे हटेगा? इस हाथ में कोई वायरस नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, डाउट मत कीजिए क्योंकि साफ किया है। इसको ऐसे कर लीजिए, क्लियर। अब सब कोरोना कहीं नहीं है, बताओ कहीं कोरोना है? यस, एक जगह पर है, क्योंकि जब मैंने बॉटल को उठाया था इस वाले हैंड ने, याद कीजिए, तो इससे यहां से कोरोना यहां आ सकता है। और थोड़ा और पाओगे
ते बन गया ताड़ा सैनिटाइजर। नाले दे अंदर थोड़ा तुसी पानी मिलाना है, इदां बन गया ताड़ा सैनिटाइजर, थोड़ा हाथ च लाओ, ए एक मिनट, थोड़ा हाथ च लाओ इदां, थोड़ा हाथ च फड़ो ते नाल पी जाओ। जिन्ने भी वायरस ने सारे खत्म हो जाने ने, हत्तां चे अंदर ते हो ही नहीं सकदा कोरोना। कोरोना के अंदर सिर्फ एक ही थेरेपी काम आती है, वो है साउंड थेरेपी। देखिए कोरोना जो है एक शत्रु है, राहु के रूप में शत्रु है। जी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। कोरोना का जो असर होता है वो साउंड यानी कि ध्वनियों पे नहीं होता। आप मेरी बात एक बार सुनिए। अरे तुम रुक जाओ। ओ हमें करना है यज्ञ। मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा कि हाँ मैं संचार है। अब मैं क्या करूंगा? Now everything is clean। अब किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल अरे बंद करो बंद करो बंद करो छूट बंद करो। देखिए कोरोना जो है एक शत्रु है, राहु के रूप में शत्रु। बाबा क्या कह रहे हो बाबा? और हमको करना है यज्ञ, हमको करना है हवन। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। लेकिन 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 ये गाना नहीं चलेगा, हम कुछ और करेंगे। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आपने इन लोगों को देखा है जो हमने वीडियो में दिखाए हैं। अगर आपको लगता है ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो उनको जरूर मैसेज दीजिए कि उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर पे बैठ के ये वीडियो एंजॉय कीजिए कि कोरोना इज अ सीरियस इशू, इट्स नॉट अ जोक। हमने मजाक का रूप इसलिए लिया ताकि आप लोग उसे अच्छे से एंजॉय करके वो मैसेज लीजिए। और आपको जाने से पहले आपको कुछ एक सलाह देना चाहता हूँ गाइज, ये मास्क है इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए। मास्क जरूर पहनिए, लेकिन मास्क पहनना तब इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं। अगर आपको कोई छींकता है, आपके हाथों में ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, तो आपका हाथ आपके मुंह पे डायरेक्ट ना लगे, एक फिल्टर के थ्रू लगे जो कि आपका एक मास्क का काम करेगा। तो प्लीज 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 बी अवेयर, अपने चाहने वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को प्लीज घर से बाहर जाने के लिए मना कीजिए, और उनको ट्रैवल करने से तो बिल्कुल मना कीजिए। स्टे होम स्टे सेफ।